केजरीवाल नहीं तो कौन? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल आ गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिली तो वो जेल से सरकार चलाएंगे। विपक्ष के नेता कह रहे हैं चुनाव में हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। वहीं कानूनी प्रक्रिया के जानकार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी को पुख्ता सबूत मिले हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार, क्या होगा इसका चुनाव पर असर, आइए जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी से नीरज कुमार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील कुमार, साथ हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं अनुराग ढांडा और लॉयर हैं आत्मा प्रकाश सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार हैं। तो संदीप जी, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी बहुत बड़े सवाल उठाती है और अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि केजरीवाल नहीं तो कौन। तो मैं चाहूंगी आप जरा एक बार हमारे दर्शकों के लिए पूरी चीज को एक समअप करी कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई और अब क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात मुक्ता जी कि ये देश में पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अभी एक डेढ़ महीने पहले झारखंड में वहाँ के चीफ मिनिस्टर की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। रही बात एक तो ये तो पहला ऐसा केस है जो सिटिंग किसी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। दूसरी बात है, कल गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल को ईडी अपने साथ ले गई है। आज 2:30 बजे राउज एवेन्यू में पीएमएलए कोर्ट है जहां पे उनकी पेशी होगी। अब पेशी फिजिकल होगी या वर्चुअल होगी वो असेसमेंट होगा अभी सुरक्षा का, और जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला होगा। इन द मीन टाइम आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के यहाँ उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव किया था, जिसपे चीफ जस्टिस ने उनको एक दूसरा 3 जजेस के बेंच के लिए रेफर किया है और उसकी भी सुनवाई कभी भी हो सकती है। अभी जो आम आदमी पार्टी की ओर से वकील हैं वो उन्होंने उस कोर्ट का रुख किया है। अब जो दूसरा सवाल आपका ये है कि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, तो इसका जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे ये कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और वो तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे। रही बात चुनाव की, तो चुनाव का भी सारा जो देखरेख और उसकी जो प्रबंधन होगा केजरीवाल जेल से ही करेंगे। हालांकि अभी जो कानूनी जानकार हैं उनका भी ये कहना है कि ऐसा कोई अभी कानून नहीं है जिसमें वो केजरीवाल को बाध्य करे कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। खुदा ना खास्ता, एक चीज और मैं कर देता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर गिरफ्तार इन केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा तो उस सूरत में पार्टी के दो वरिष्ठ नेता हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनका नाम चल रहा है। हो सकता है कि केजरीवाल की जो पत्नी है वो भी उनका भी चीफ मिनिस्टर के तौर पे नाम चल सकता है। तो ये है कुल मिलाकर। तब आपने कानूनी जानकारी की बात की, तो हम सबसे पहले आत्म प्रकाश जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आत्म प्रकाश जी, अब आप समझाइए कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिली तो भी वो जेल से सरकार चलाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल है उसी का आपसे जवाब चाहिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चला पाएंगे? क्या लॉ में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि सीएम जेल से सरकार चला सके? जी बिल्कुल, लॉ उन्हें नहीं रोकता है, जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती है वो जेल से सरकार को चला सकते हैं। मैं आपके माध्यम से इस पूरी डिबेट को कानूनी पक्ष से जोड़ना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले और बाद में इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। मैं मानता हूं राजनीतिक हित और नुकसान से कानूनी प्रक्रिया ऊपर होती है। यदि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर हम आरोप लगा रहे हैं, कल से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए ईडी कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है और ईडी की जवाबदेही रूल ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ लॉ के प्रति होती है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं होती है। जो ईडी का जन्म है मुक्ता जी वो संविधान से हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से हो रहा है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दो बार ईडी की ये जो ताकत है ना सर्च सीजर और अरेस्ट पर, उस पर मोहर लगाई है। ईडी की ये जो कार्रवाई है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, ये धारा 18-19 से निकल कर आई है, सीआरपीसी से निकल कर आई है। मुक्ता जी, सीआरपीसी और
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है कि यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी को सम्मन करना चाहता है तो वो किसी को बुला सकता है अपने ज्यूरिसडिक्शन में, और बुलाने वाले व्यक्ति की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अटेंड करना। अरविंद केजरीवाल आबकारी मामले में दोषी सिद्ध हो ना हो, एज अ लॉयर एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं, पहला सम्मन 2 नवंबर 2023 को जारी किया गया, आखिरी सम्मन 19 मार्च 2024 को जारी किया गया। सेक्शन 174 इंडियन पिनल कोड का कहता है सम्मन नहीं मानने पर 1 महीने तक की जेल हो सकती है, 500 का जुर्माना हो सकता है, ये बड़ी मुसीबत हो सकती है। और मुझे लगता है मान लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो हमारे देश में इतने सेफ गार्ड है मुक्ता जी, बेल है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूविंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, जोगिंदर कुमार का केस है, डीके बसु का केस है, जुडिशियल रिव्यू है। मैं कहता हूं जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ निर्णय देती है तो वो अच्छी है, और अगर अरविंद केजरीवाल को रिलीफ नहीं मिली, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, संजय सिंह को नहीं मिली तो वो खराब है, तो ये कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। तो अरविंद केजरीवाल को डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनके साथ पूरा लीगल मैकेनिज्म, लीगल रेमेडी मौजूद है। हाँ ये जरूर है कि वो प्राइमा फेसाई कितना साबित कर पाते हैं कि उन्हें बेल मिलती है या नहीं मिलती है। नहीं तो अब आपके हिसाब से आगे का लीगल रिकोर्स क्या होगा? आज उनकी 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेशी है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो जमानत की अर्जी लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अब इसमें आगे का आगे क्या, किस तरह की फैसले आ सकते हैं, किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए जो सबसे इमीडिएट रेमेडी होती है वो बेल पाने की रेमेडी होती है। बेल ज्यूरिसप्रूडेंस ये कहता है कि हमें न्यायालय को संतुष्ट करना होगा प्रथम दृष्टया प्रिमा फेसाई कि हमें जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी, वो गिरफ्तारी गलत थी, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है चूंकि मनीष सिसोदिया 31 मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक 4 बार प्रयास कर चुके हैं बेल पाने का, संजय सिंह प्रयास कर चुके हैं, तो अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार ईडी कह रही है कि उनके खिलाफ प्रिमा फेसाई सबूत हैं। तो जो सबसे पहला कदम है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम का कि वो बेल के लिए अप्लाई करेगी, बेल के लिए लड़ेगी और ये साबित करने की कोशिश करेगी कि ये गिरफ्तारी गलत है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। फिर ट्रायल का मुकदमा तो मेरिट पर बाद में चलता है। संदीप जी, जैसा कि आत्मप्रकाश जी ने बोला कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो इस बात की भी अर्जी उन्होंने लगाई है कि ये पूरा ये जो अरेस्ट है वो बिल्कुल गलत है, तो आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की उनको राहत मिल सकती है? देखिए जिस तरह से आप अगर पूरा जैसा कि अभी आत्मप्रकाश जी ने बताया, ये कुल मिला के अगर आप देखो तो अरविंद केजरीवाल के पहले भी 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया हैं और सत्येंद्र जैन हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी लंबे करीब 1 साल होने जा रहा है और उसने इन लोगों ने कई बार बेल लगाया है और बेल नहीं मिली है। और आप तो देखिए कल हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही तुरंत ईडी ने एक्शन लिया, और जिसका डर था लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, और विपक्ष तो बार बार ये कह रहा था, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि मुझे अरेस्ट होने का डर था इसीलिए वो नहीं गए थे, तो जिसका डर था वही हो गया। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्हें बेल नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पे कोर्ट ने कुछ ऐसे एविडेंस जरूर देखे होंगे या ईडी ने कुछ ऐसे एविडेंस दिए होंगे जो जिसकी जिसे देखते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर नहीं की है। अब देखिए आगे अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, उसमें क्या कोर्ट का रुख होता है। नीरज जी, विपक्ष तो बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ईडी जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आत्मप्रकाश जी ने जैसे ईडी के बारे में समझाया, लेकिन अगर आप देखिए कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि जो भी अरेस्ट कर रहे हैं या ईडी जिस पर भी कार्रवाई कर रही है वो सभी विपक्ष के नेता हैं। यानी कि एक बात साफ है संदीप जी कि जो भी विपक्ष में है उसके ऊपर ही दाग है, जो सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। एक नेता रहे हैं जिनपे ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है, इसकी लंबी फहरिस्त है। अब मैं आता हूं आपके आज के डिबेट के विषय पर। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तब फल चाखा। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत पहले लिखे गए हैं, रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, इसको काफी पहले लिखे गए। देखिए श्रीमान कट्टर ईमानदार, ये भेड़ के भेस में भेड़िया है, भेड़िया इनका पोल खुल गया है। जब इनका पोल खुलता है तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करने से मोदी कमजोर नहीं होने वाले, मोदी नहीं टिकने वाले। अभी वकील साहब कानूनी पहलू की बात कर रहे थे इनके बेल के विषय में, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। केजरीवाल जी को 9 संबंध मिला, अगर वो चाहते तो अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, किन साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत होगा, पर उनको मालूम था कि वो दोषी है,
उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। तो एक पॉलिटिकल पूंजी बनाने की उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल का अप्लाई भी नहीं किया और आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन एक ड्रामा पॉलिटिकल टूल्स की तरह इसका वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पाएगा उनसे। मैं कह रही हूँ टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे ही ना, ठीक, चुनाव के पहले एक सिटिंग सीएम की का अरेस्ट, इस तरह से तो सवाल तो उठेंगे ही। तो आप क्या विरोधियों को खत्म करके इलेक्शन में जाना चाहते हैं? बिल्कुल इस समय कोई राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, चुनाव नजदीक है, इसका क्या मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी जाए, देश का कानून अपना काम करना बंद कर दे, ये तर्क ही बेतुका है। चुनाव नजदीक है, इसको चुनाव से ईडी सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई को आईटी की कार्रवाई को चुनाव से कोई लेना देना नहीं, वो अपने हिसाब से अपनी गति से अपना काम करती है और ये मोदी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं बचेगी। पहले क्या होता था ना कि किसी भी दल के हम भ्रष्टाचारियों के आपस में सांठगांठ होती थी अघोषित सांठगांठ कि हम तुमको बचाएंगे तो हमको बचा, लेकिन यहाँ कोई बचने वाले नहीं है, ये मोदी की गारंटी है एक भी भ्रष्टाचारी यहाँ नहीं बचेंगे। नहीं लेकिन नीरज जी, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त रुख अपनाया लेकिन फिर भी आप अपने उस पे अड़े हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का जरा लिस्ट मुझे लगता है कि आज ही आ जाएगा, किसने किसको चंदा दिया, इसके बाद तय मानिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस दूर दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और 13,000 करोड़ के चंदा में 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला है जिसमें कि बीजेपी के 303 सांसद हैं पूरे देश में, बाकी 6,000 तो इंडिया अलायंस के दलों को मिला है, टीएमसी को मिला, कांग्रेस को मिला। तो जिन लोगों को अगर बहुत पाक साफ है, उनको लगता है कि पैसा भ्रष्टाचार का है, तो पैसा नहीं देना चाहिए। तो चूर-चूर और मुरमुरे कहावत चलती है बिहार में, दोनों चाहते हैं ये लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को डिफाइन करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, उस पर इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण से चुनाव में काले धन का उपयोग बहुत हद तक रुक चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है, सबको इसको मानना है, लेकिन इसमें आप जरा लिस्ट आने दीजिए किसने किसने किसको दिया है, यह कोर्ट खुलेगा। मैं वो भी लिस्ट आ जाएगी। सुनील जी, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जनरल इलेक्शंस के जस्ट पहले अरेस्ट करना किस तरह का मैसेज देना चाहती है बीजेपी? देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, जांच एजेंसियों के चीज में टिका टिप्पणी नहीं बनती है और ईडी ऐसी जांच एजेंसियों की कन्विक्शन रेट भी अच्छी खासी है, वो अपनी जगह है। लेकिन आपने जैसा कहा कि ये मुक्ता जी टाइमिंग निश्चित ही लोगों के मन में संशय पैदा करता है क्योंकि लोकसभा चुनाव आसन है और ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा वाली चीज, एक थ्योरी जो आती है जिसको कि नकारना मुश्किल है, ऐसे चीजों पर वो जांच एजेंसियों को भी ध्यान देनी चाहिए। वैसे तो निश्चित ही अगर देख लें तो इस केस में जो संजय सिंह है या मनीष सिसोदिया है वो लंबे समय से अंदर है, उनकी जमानत याचिका अनेकों नेक बार खारिज हो चुकी है, जो इस बात की तरफ इंगित करता है कि संभवतः निश्चित ही इस पूरे जांच प्रक्रिया में कुछ दम है, तभी उनको जमानत नहीं मिल रही है। ये तो ठीक बात है, मगर कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को इस बात को लोगों तक पहुंचाना होगा, नहीं तो प्रथम दृष्टया ये पॉलिटिकल वेंडेटा का और आसन्न चुनाव के तहत विपक्षी नेताओं को परेशान करने वाला कदम प्रतीत हो जाएगा। इस बात पर निश्चित ही कि केंद्रीय सरकार को और जांच एजेंसियों को इस पहलू पर विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको एक पॉलिटिकल टूल दे देते हैं कि वो धरना प्रदर्शन करे, विपक्ष गोलबंद हो, चीखे चिल्लाए और इस पर आए, लेकिन हाँ भ्रष्टाचार के मामले में भी जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही भारत का विकास कर सकता है। तो इन सभी चीजों में सामंजस्य कैसे होगा, ये तो एक चर्चा का विषय है और ये एक सोच का विषय है केंद्र सरकार का। जी, ये कहना है कि देखिए आपकी बात बिल्कुल जायज है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कोर्ट को कहीं ना कहीं कुछ ईडी के सबूतों में ऐसा लगा होगा जिसकी वजह से इन लोगों को जमानत नहीं मिली, लेकिन क्या ये भी एक अजीबोगरीब बात नहीं लगती कि किसी एक पार्टी के टॉप लीडरशिप को ही आप अंदर कर दो, जेल में डाल दो और अभी चुनाव है
तो ये साफ तौर पे ये मैसेज जाता है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जो सरकार है या बीजेपी है वो दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मामला पहले से चल रहा था, लेकिन चुनाव के जस्ट जब चुनाव घोषित हो चुकी है और पूरा टॉप लीडरशिप अंदर है जेल में, इसे दिल्ली, पंजाब और गोवा, इसके अलावा गुजरात, ऐसे चार स्टेट हैं जहां पे बीजेपी को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो संघर्ष करने पर मजबूर कर रही है। तो ये एक साफ तौर पे एंगल जा भी रहा है लोगों में, इस बात को आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि ये टॉप लीडरशिप को इसी एजेंडे के तहत बंद किया गया है। आपका क्या कहना है? निश्चित ही आप जो कह रहे हैं वो बात एकदम सही है कि अभी के जो टाइमिंग है, अगर इतने दिनों से आबकारी घोटाले की जांच चल रही थी तो चंद महीनों में क्या बिगड़ रहा था? कुछ नहीं बिगड़ रहा था। अब चंद महीनों में इतनी आपाधापी से सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप अंदर करते हैं, इससे कहीं ना कहीं ये टाइमिंग पर और केंद्र सरकार की मंशा पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो आता है, जिसे कि उसे धोने में काफी समय लगेगा और आपके कार्यकर्ताओं को गोलबंद होने का मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं ये इंगित होता है कि आपके नेताओं से भाजपा घबरा चुकी थी और इसमें हताशा में ये कदम साबित हो सकता है। असित नाथ तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। असित नाथ तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिसका आप लोगों को डर था वही हो गया। ये बड़ा बेतुका सा तर्क है कि चुनाव को नजदीक देख करके इसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। चुनाव नजदीक है, हम सब यहाँ नहीं नहीं। लेकिन नीरज जी, बार बार एक सवाल जो विपक्ष भी बार बार उठा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि जितने भी लोग विपक्ष में हैं उन्हीं पर ये सारी कार्रवाई हो रही है, ये तो सवाल बनता ही है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? अभी देखिए, अगर नाम गिनाने पर, अभी नाम गिनाने पर संदीप जी आ जाए तो ऐसे बहुत सारे नाम है। एक नहीं, दो महीने पुराना ये मामला नहीं है, सब डेढ़ महीने, डेढ़ साल, दो साल पुराने मामले हैं। और चुनाव के समय क्यों गिरफ्तारियां हो रही है? पहले भी 10 समन आपने दिया है, आप पहले अरेस्ट कर सकते थे। ईडी कब करेगी ये तो ईडी को तय करना है ना। ये भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं बता सकते कि ईडी कब अरेस्ट करेगी, कब केस दर्ज करेगी। ये ईडी को तय कर रहा है भाई साहब, ईडी को करने दीजिए अपना काम, उसमें हस्तक्षेप हम लोग कैसे कर सकते हैं कि वो कब करे, कब अरेस्ट करे, नहीं करे। विपक्ष तो, चलिए असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि गुजरात, दिल्ली, पंजाब, इसको लेकर बीजेपी सशंकित है और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। असित नाथ तिवारी जी, देखिए हमें चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर जरूर चर्चा करनी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि आप हर तारीख पर आके एक सप्लीमेंट्री लगा दे रहे हैं और आपके सप्लीमेंट्री लगाने की वजह से हम अभियुक्त को जमानत नहीं दे पा रहे हैं। आप सिर्फ जमानत रोकने के उपाय तो जानते हैं लेकिन आप कोई साक्ष्य कोर्ट में नहीं पेश कर पा रहे हैं, तो कब तक आपके सप्लीमेंट्री लगाने पर हम लोगों को जेल में बंद रखेंगे? जब साक्षी नहीं होंगे तो हमें जमानत देनी पड़ेगी। ये दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, एक मनीष सिसोदिया के मामले में और एक और कोई अभियुक्त है जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो अभी ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो ऐसे ही चल रही है, साक्ष कोई नहीं है, लेकिन जब तारीख पड़े कोर्ट की एक सप्लीमेंट्री लगा दो कि अभियुक्त को जमानत न मिले। नीरज जी, आ रहा हूं मैं। ईडी की कार्रवाई ठीक वैसे ही है जैसे मुंबई में दाऊद इब्राहिम की कार्रवाई होती थी। किसी व्यवसायी के यहाँ अपने आदमी भेजो कि भैया हमें हफ्ता दो, और हफ्ता नहीं दोगे तो हम बम मार देंगे, और अगर व्यवसायी ने उसे हफ्ता नहीं दिया तो उसके ऊपर बम गिरा दिया गया। ईडी की कार्रवाई है कि भैया भाजपा में आ जाओ और अगर भाजपा में नहीं आओगे तो हम ईडी भेज देंगे, और ठीक वही हो रहा है। देखिए, जो दाऊद इब्राहिम मॉडल है वही नरेंद्र मोदी मॉडल है। ईडी की कार्रवाई दाऊद इब्राहिम के गुंडों की माफिक हो रही है कि अगर भाजपा में आइएगा तो आइएगा, नहीं तो ईडी का बम आपके कपार पर पटक देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी साक्ष्य मांगना शुरू कर दिया। चलिए, क्योंकि आप कोर्ट की बात करें तो हमारे साथ आत्मप्रकाश जी हैं। आत्मप्रकाश जी, इस बात का जवाब दीजिए, बार बार मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हो रही है, एक साल के ऊपर हो गया है उनको, अक्टूबर से संजय सिंह भी जेल में है, तो क्या हो रहा है? आप जरा इस कोर्ट की कार्रवाई पर जरा प्रकाश डालिए, क्यों ये बार बार बेल रिजेक्ट हो रही है? और एक तरफ ईडी ये कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है।
कोर्ट के प्रोसीजर पर आने के पहले मैं असित नाथ तिवारी जी को कहना चाहूंगा कि साहब आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, आप वैधानिक संस्था को दाऊद इब्राहिम कह रहे हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को दाऊद इब्राहिम कह रहे हैं, तो सबसे अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं। असित नाथ जी, असित नाथ जी, आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। देखिये मैं लीगल पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। असित नाथ तिवारी जी ने कहा कि कोर्ट ने कहा बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाने से आप मुकदमे में बेल को पास नहीं कर सकते। आप वकील की जगह भाजपा कार्यकर्ता लिखिए, मैं इनकी बात सुनूंगा। मिल गई क्या बेल? एक बात तो चलिए चलिए, संदीप जी एक बात तो तय है कि केजरीवाल के अरेस्ट ने इंडिया अलायंस में जान जरूर डाल दी है। कल पहली बार दिल्ली के सीनियर कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के बचे कुचे नेताओं के साथ सड़कों बिल्कुल राहुल गांधी सड़कों पर नजर आ रहे थे, साथ में मिलकर खड़े थे, आज साथ में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी उनसे मिलने जाने वाले थे, तो कहीं ना कहीं आपके अलायंस में जरूर जान डल गई है सरस से। असित नाथ जी, गुप्ता जी मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा, एक मिनट आपके पास आएंगे आत्मा प्रकाश जी, एक असित नाथ जी से जरा उनका रिएक्शन ले लें, बताइए। सीधी राजनीतिक लड़ाई है, एक आदमी को हिटलर बनने का शौक चल रहा है और हमें कोई तकलीफ इस बात की नहीं होगी कि एक आदमी हिटलर बन रहा है, हमें तकलीफ इस बात की होगी कि भारत के एक प्रधानमंत्री का या पूर्व प्रधानमंत्री का वही हश्र होगा जो हिटलर का हुआ था। अगर आपको हिटलर बनने का शौक है तो आपका हश्र भी तो हिटलर वाला होगा, आपका हश्र भी तो मुसोलिनी वाला ही होगा ना, हमें इस बात का दुख होगा कि भारत के ये सारी बातें अलग हैं, ये सारी बातें असित नाथ जी अलग हैं, लेकिन आप लोग भी तो इसका विरोध कर रहे थे, आप तो खुद ही कह रहे थे कि इसका हमने ही पर्दाफाश किया इस घोटाले का, तो अभी तो कन्वीनियंस का रिश्ता हो गया, अब आज आप साथ आ गए तो अब आप इसका पक्ष ले रहे हैं, ये भी तो बात सही है। कन्वीनियंस के रिश्ते की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि आप बार बार सप्लीमेंट्री लगाइएगा और हम अभियुक्त की जमानत रोकते जाएंगे, तब तक ये चलेगा? इसका जवाब हम देंगे आत्म प्रकाश जी से, लेकिन आपसे जो मैं पूछ रही हूँ कि आप तो खुद ही इसका विरोध कर रहे थे, खुद ही ये लोग शराब नीति घोटाला उसकी बात कर रहे थे, ये घोटाला है, आपने ही पर्दाफाश किया, आप कह रहे थे आपने ही इसको उठाया था, तो आज आप कैसे फिर पक्ष में खड़े हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य क्या है, कोर्ट यही तो मांग रहा है, आप साक्ष्य दीजिए ना, ईडी का काम है साक्ष्य जुटाना ना, साक्ष्य जुटा के हम देंगे, साक्ष्य जुटाना ईडी का काम है, आप 18 महीने से किसी आदमी को जेल में बंद किए हुए हैं और उसके खिलाफ कोर्ट में एक भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कोर्ट को चाहिए ना साफ, तो मतलब साफ है कि ईडी दाऊद इब्राहिम के इशारे पर काम कर रहा है, ईडी दाऊद इब्राहिम का सुपर बन गया है। और इस पे जरा आत्मा प्रकाश जी से जवाब लेंगे कि अगर ईडी बार बार कह रही है कि उसके पास पुख्ता सबूत है और कोर्ट जो है बेल भी नहीं दे रही है, तो क्या है ये? कोर्ट में सबूत पेश किए हैं। मुक्ता जी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे ही उंगली उठा रहे हैं, अरे आप मुझे ये समझाइए संवैधानिक समझ के नाते कि क्या सबूत नहीं होगा, ईडी की कार्रवाई पर उठा रहे हैं, आपकी समझ को सलाम है। असित नाथ तिवारी जी है पेशेंस, असित नाथ तिवारी जी है पेशेंस, सुन तो लीजिए, आपके साथ यही दिक्कत है, दीजिए आपको मौका दिया, बताइए बताइए पहलू को जान तो लीजिए। असित नाथ जी मैं कह रहा हूँ यदि सबूत नहीं होता तो बार बार बेल एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट होती, बार बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मुझे केवल 30 सेकंड चाहिए। 31 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया के खिलाफ कह रहा है आप प्राइम चीफ आर्किटेक्ट प्रतीत तो हो रहे हैं। जुलाई 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि बहुत सीरियस एलिगेशन है, कॉन्स्पिरेसी दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2023 में कह रहा है 338 करोड़ का टेंटेटिव घोटाला है। मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें भूल जाइए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रीएम्बल को पढ़िए साहब, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसलिए लाया गया है कि हम यूएन जनरल असेंबली के सपने को सच कर सके, देश में मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके, देश में भ्रष्टाचार को रोक सके। एक बार नहीं दो दो मौके हैं, जो सुपर टेक के चेयरमैन थे उनकी जो प्ली थी, सुपर टेक के चेयरमैन का नाम है रामकृष्ण अरोरा और तमिलनाडु की मिनिस्टर थी सेंथिल बालाजी, सुप्रीम कोर्ट ने दो बार ईडी की जो ताकत है गिरफ्तार करने की उस पर मोहर लगाई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में मेनका गांधी का जजमेंट चलता है। मुक्ता जी मेनका गांधी के जजमेंट में कहा गया कि मान लीजिए कोई वैलिड लॉ है, मान लीजिए कोई वैलिड प्रोसीजर है, उसके बावजूद यदि हमें लगता है कि जस्ट फेयर रीजनेबल जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम किसी कानून को उठा के कचड़े के डब्बे में फेंक देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मान लीजिए ईडी ने गलत किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, तो क्या दिक्कत है? आज 2:30 बजे फैसला हो जाएगा, आज 2:30 बजे फैसला नहीं हो पाएगा, दो दिन बाद फैसला हो जाएगा, ये तो जुडिशियल रिव्यू का मैटर है ना जी। मैं कहना चाह रहा हूँ
जरा सुन लीजिए, ये इंडी अलायंस के लोग देश के सभी संवैधानिक संस्था, चाहे वो सीईटी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इवन एसबीआई, ये सब पर आरोप लगाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट के मैच में जब मैच होता है तो हारने वाली टीम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अंपायर को दोष देता है कि अंपायर की गलती से हम हार गए। ये ईडी सीबीआई आईटी डिपार्टमेंट से उम्मीद करते हैं कि इनको चुनाव क्यों नहीं जितवा रही है। अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आपने भ्रष्टाचार किया, आपने अपराध किया, तय मानिए मोदी जी की सरकार है, आप जेल जाएंगे। और बात रही सबूत की, ये कह रहे थे कोर्ट में सबूत नहीं दिया, लास्ट हियरिंग में पुख्ता जानकारी दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई है उसमें ईडी से सबूत मांगा गया, पहले कोर्ट ने पूछा क्या आप सब जिसको नीरज जी बार बार, और ये नाम हालांकि अब पुराने हुए, हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, ऐसे कितने सारे नाम हैं। आप जरा सुन तो ले, मेरी बात सुन, बोलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप जिनको संबंध के बुलाते हैं सबको गिरफ्तार करते हैं? इन्हीं ने कहा कि नहीं, हम सबको गिरफ्तार नहीं करते। इस केस में हमने 700 लोगों को संबंध दिया है, 16 की गिरफ्तारी ली। के कविता की गिरफ्तारी हुई साउथ गैंग से, वो पूरा राज खोल चुकी है, गवाह बन चुकी है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई पुख्ता सबूत है आपके पास, तो बंद लिफाफे में ईडी ने पुख्ता सबूत दिए और तब जाके उनको गिरफ्तार किया है। एक मुख्यमंत्री को तब जाके गिरफ्तार किया पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करने के बाद। हालांकि उस सबूत को अभी प्राइवेट रखने की बात की गई थी, उसको कोर्ट में जो आरोपी के जो वकील थे उन्होंने सबूत को दिखाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसमें भी कोई टिप्पणी नहीं की है। अब आज देखिए कोर्ट की कार्रवाई में क्या होता है। तो पुख्ता सबूत दिया गया है कोर्ट में, इस भ्रम में कोई नहीं रहे कि सबूत नहीं है, संशय के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वकील साहब यहाँ बैठे हैं, केजरीवाल साहब की मंशा शुरू से थी गड़बड़ करने की। वो पहले देश के ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपने पास में विभाग नहीं रखा, कैबिनेट की बैठक में वो कैबिनेट की अध्यक्षता नहीं करते थे ताकि उन पर कोई आरोप नहीं लगे। लेकिन वकील साहब बताएंगे हमसे बेहतर, परोक्ष देनदारी का भी एक कानून होता है साहब, और वो कानून, उस कानून के तहत इन पर आरोप सिद्ध हुआ है परोक्ष देनदारी। जैसे किसी कंपनी में कोई इंप्लाई हेरा फेरी करता है तो उसमें उसके सीईओ पे, एमडी पे या उसके ओनर पे तुरंत कार्रवाई नहीं होती, उसको लगता है कि वो उसमें नहीं है, कंपनी ने किया है। लेकिन अगर सुनील जी विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया है, डिक्टेटरशिप हो गई है, ऐसे में आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी का भविष्य, देश का भविष्य कहाँ आपको कहाँ दिखता है? दूसरी बात कि जिस तरह से लगातार विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, तो ऐसे में एक आम आदमी को डेमोक्रेसी में फेथ, उसका रेस्टोर बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है? तो आसित जी जो कह रहे हैं कि बिना सबूत के कोर्ट सालों से और महीनों से अभियुक्तों को जगलरी ऑफ लॉ से जेल में रखी हुई है, ये ऐसा भी अंधेर नगरी नहीं है, ऐसा भी अंधा कानून नहीं है कि बिना अंदर में कुछ मटेरियल रहे हुए को जगलरी ऑफ लॉ से और एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट नहीं फाइल करके वो व्यक्ति सालों से जेल में सड़े, ऐसा भी नहीं अंधा कानून है। कुछ ना कुछ बातें रही होंगी। और नहीं तो अगर ईडी ने नाजायज किया तो कोर्ट उसकी बात को उसको अंडू कर देगा, क्योंकि न्यायालय की व्यवस्था हमारे यहाँ काफी सशक्त है। लेकिन हाँ, ये जो आप कह रही है और ये जो मुक्ता जी है सब प्रश्न है, ये टाइमिंग का, ये टाइमिंग चुनाव का रणभेड़ी बच चुका है, ये मामला पुराना है। ऐसे में क्या हड़बड़ी हो गई जांच एजेंसियों को, ये तो चीज पब्लिक डोमेन में रखना होगा कि क्या हड़बड़ी थी। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव के वक्त भ्रष्टाचारियों को छूट मिल जाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चीजें लंबे समय से आ रही हैं और कछुए की चाल से जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, तो मार्ज कुछ दिनों में क्या हड़बड़ी हो गई। लेकिन हाँ, ये भी मैं बता दूं कि जैसे बातें, संदीप जी, 2 साल हो चुके हैं, चुनाव हो जाता, जांच चल रही है, चुनाव के बाद आप बिना अरेस्ट किए भी पूछताछ की जा सकती थी, तो ऐसी क्या हड़बड़ी मच गई कि उनको अरेस्ट करना पड़ा? और आप देखिए, नहीं, और आप देखिए आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो है, एक एक करके आप जितने बड़े नेता है आप टॉप लीडरशिप को अंदर कर दे रहे हैं, तो सवाल तो उठता ही है। आप कह रहे हैं कि पूछताछ ऐसे की जा सकती, 9 बार संबंध गया उनको मैडम, वो आए नहीं, उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना की, संबंध का उल्लंघन किया, उन्होंने नहीं आए, कानून से बार बार ये कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तारी का डर है, मैं जाऊंगा, अरेस्ट हो जाऊंगा, तो उन्होंने गलत किया है, उनको मालूम है ना उन्होंने चोरी की है, उनको तो मालूम है कि मशीनी तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया। मैंने पहली सेंटेंस में कहा जी, आप लोग सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं,
आगे किस आप लोगों की तरफ से अब क्या रुख होगा? देखिए पहले दो बातें मैं कह दूं, सुनील डॉक्टर साहब ने सुनील सिंह जी ने कहा कि असित जी कह रहे हैं, असित जी नहीं कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की आज की चार दिन की पहले की टिप्पणी है, आप अभी गूगल पे जाइए, सारे बड़े न्यूज चैनल्स में अखबार में आपको ये खबर मिल जाएगी कि टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, असित नाथ तिवारी की नहीं। दूसरी बात, जो ये भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं वकील के वेश में, इन्होंने कहा कि असित जी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं। वकील साहब को यही नहीं पता है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और ईडी में फर्क है, मैंने ईडी की कार्रवाई पर उंगली उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। वकील को इतनी जानकारी होनी चाहिए, वकील है पेशे से तो अच्छा रहता इतना, अगर जानते कि ईडी और सुप्रीम कोर्ट पर फर्क है। अब तीसरी बात, समन सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, नीरज जी ने कहा उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, समन सुप्रीम कोर्ट का नहीं था नीरज जी, समन ईडी का था, सुप्रीम कोर्ट और ईडी में अंतर है, इतनी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं होनी चाहिए, आप भाजपा ही हैं, भाजपा ही अगर जानकार हो गए तो फिर भाजपा से बाहर हो जाएंगे, तो ठीक है, भाजपा ही भाजपा में रहने के लिए मूर्खता का प्रदर्शन आवश्यक है, तो आपने किया तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब आता हूं मैं चौथी बात पर, ईडी भी कोर्ट की तरह ही घोटाले बाद, नीरज जी सुनिए, 700 करोड़ का घोटाले बाद, भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाले बाद, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था, असित नाथ तिवारी ने नहीं कहा था, अजीत पवार के लिए तो कहा था, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार में घोटाला किया, नीरज जी नहीं नहीं बात, नीरज जी चुनाव के पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर देना, ये सब कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता ही है ना। आप चुनाव मुक्ता जी मेरे एक सवाल विरोधियों को, क्या 400 पार का फॉर्मूला यही है सारे विरोधियों को? मुक्ता जी मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए नीरज जी से, अगर अजीत पवार 700 करोड़ का घोटाले बाज है तो जेल में क्यों नहीं है, और अगर अजीत पवार 700 करोड़ का घोटाले बाज नहीं है तो प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति महाराष्ट्र में उत्तर नीचे बैठे रहा, आप जवाब दीजिए, क्या प्रधानमंत्री झूठा है? ठीक, या वो घोटाले आप जवाब ले लेंगे ना असित भाई, आप जरा इसका उत्तर तो ले लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए। अजीत पवार पे भ्रष्टाचार का आरोप तब लगा था जब वो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में शामिल थे, तो क्या आप मानते हैं कि महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारी थी? सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, पहले आप यह मान लीजिए, पहले आप यह बता दीजिए कि हां कांग्रेस की सरकार में महाराष्ट्र में जी ये अजीत पवार मंत्री थे, वो ये जवाब नहीं है, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस 700 करोड़ में से कितना कमीशन खाया अजीत पवार को मंत्री बनाने के लिए? आप मान रहे हैं कांग्रेस की सरकार में मंत्री क्यों? आप मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, बताइए भ्रष्ट सरकार थी ये मान रहे हैं, पहले ये बताइए मोदी ने कितना हिस्सा लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी को कितना खिलाया ये बताइए ना, सोनिया गांधी को कितना खिलाया? देखिए ये कांग्रेस के लोग सत्ता पर अपना अधिकार समझते हैं, ये सामंतवादी विचार के लोग, 144 लगा दी गई है, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी तो अब तो केजरीवाल जी के बाद और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी। फिर मुक्ता जी मेरा एक प्रश्न है, पूछिए। हमने माना हमारी सरकार भ्रष्ट थी, अजीत पवार ने भ्रष्टाचार किया, अब मेरा प्रश्न है उस भ्रष्टाचार में से कितना हिस्सा मोदी ने लेके अजीत पवार को मंत्री बनवाया, बताइए नीरज जी, बताइए इस बात का जवाब दीजिए, कितना खाया मोदी ने बचाने के लिए? 50 लाख में ले ली नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ संपत्ति राहुल गांधी सोनिया गांधी ने, अजीत पवार को मंत्री बनाने में आपने कितना लिया, मोदी ने कितना पैसा खाया ये बताइए, कांग्रेस की सरकार में कितना ये बताइए, पहले ये बताइए कि वो सरकार भ्रष्टाचारी थी, आप मानते हैं? मोदी की सरकार भ्रष्टाचारी थी, स्वीकार करिए आप,
पहले ये स्वीकार करिए। सवाल से आप लोग मुद्दे से हट गए हैं, इस बात का जवाब हम लोग बाद में लेंगे। सुनील जी आपसे चलते चलते शॉर्ट में जाना चाहेंगे कि अब जबकि केजरीवाल जी अरेस्ट हो चुके हैं, तो अब पॉलिटिकल कैंपेन में आम आदमी पार्टी के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या असर होगा? ही ईडी के इस कार्रवाई से सच्चाई क्या, ये तो कोर्ट में मामला दूध का दूध पानी का पानी होगा, मगर आज के दिन में बैठे बैठे विपक्ष के हाथ में एक मौका मिला, विपक्ष को गोलबंद होने का एक अपॉर्चुनिटी मिला और आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर के अपनी जो छवि थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको पॉलिटिकल वेंडेटा का कलर देते हुए सशक्त करके करके आम आदमी के बीच में अपना वो अपना पैठ बढ़ाएगी। ये तो राजनीतिक इंपैक्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ऐसे चीजों से एक भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा जो देश के विकास को पीछे ले जाता है, उसका ऐसा होने से हम लोग उसमें इतनी राजनीतिकरण कर देते हैं कि उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह पाता है। ये बड़ा चीज है कि जो प्रबुद्ध समाज को और अन्य व्यक्तियों को बैठ के इस पर चिंतन करना होगा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा प्रभावी मुद्दा राजनीतिक रूप में भी होना चाहिए। और वैसे में अगर अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी हैं तो दो गलतियां एक नहीं होती हैं। अब अभी के वक्त में एनसीपी के नेता की बात करके इसको हम कमतर नहीं कर सकते हैं। आज वाद का विषय है अरविंद केजरीवाल जी का, तो उसी पर चर्चा करें। अगर भ्रष्टाचारी हैं तो स्पीडी ट्रायल, जितने भी ऐसे केस हो, जैसे भी ऐसे पॉलिटिकल इंप्लीकेशन वाले हो, उनको टाइम बाउंड समय में ईडी को अपनी चार्जशीट फाइल करना पड़ेगी और कोर्ट को टाइम बाउंड समय में उसका फैसला करना होगा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और इसका राजनीतिकरण नहीं हो और भ्रष्टाचार एक राजनीतिक रूप से प्रभावी मुद्दा हो और हिंदुस्तान के विकास में बाधक ना हो। जी संदीप जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद एक चीज तो साफ दिख रही है कि अलायंस में एकजुटता दिख रही है, एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो पहला सवाल तो ये है कि क्या इसका फायदा मिलेगा? दूसरी बात यह कि ये जो अरेस्ट हुआ है चुनाव के पहले, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक सिंपथी भी मिलेगी क्या जनता की? देखिए बिल्कुल, अगर आप बात करो जिस तरह से अभी आईटीओ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और एक आम जो अगर कार्यकर्ताओं को छोड़ दें तो आप दिल्ली में जैसे उनकी सरकार है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो पहले कांग्रेस के वोट का वोट बैंक था वो अब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, और वो एक छवि केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आदमी जमीन से उठा और इसने सरकार बनाई। ऐसे में उसमें भ्रष्टाचार का जब चुनाव के समय आरोप लगता है तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा और चुनाव में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। मुक्ता जी, तो आने वाला समय ही बताएगा कि वोटर्स का क्या रुख रहता है, लेकिन इसका फायदा मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एक केजरीवाल को दिल्ली में मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस। नीरज जी, चलते चलते आपसे भी आपका लास्ट स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है कि सिंपथी वेव से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को इससे कुछ फायदा मिल सकता है और आपकी तरफ कुछ डेंट पड़ सकती है? देश की जनता देख रही है कि आपके कार्यकर्ता दिल्ली में जश्न भ्रष्टाचार मना रहे हैं, तो जश्न भ्रष्टाचार पे जनता कभी नहीं पिघलने वाली, जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और इस कार्रवाई के बाद तो भरोसा और पुख्ता हो गया कि इस राज्य में कोई भी अपराधी हो, चाहे वो कितने भी बड़े कद का क्यों ना हो, नहीं बचेगा, यह स्पष्ट हो गया। इसलिए देश की जनता का भरोसा इस सरकार पर, इस सरकार की ट्रांसपेरेंसी पर, इस सरकार की कानूनी कार्रवाई पर और कोर्ट संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करने के मामले पर और बढ़ेगा इससे, और देश की जनता का विश्वास और भाजपा के प्रति इससे बढ़ेगा। ये भ्रष्टाचार है जस्ट, देश की जनता भी आज सर अपना पीट रही है कि दिल्ली में कैसे भ्रष्टाचार जस्ट मनाया जा रहा है। पर एक बात तो दिख रही है संदीप जी, अगर आप देखें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट तो इनको मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी जो इंडिया गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, तो खुद बीजेपी के लोगों को भी थोड़ी सी इसमें घबराहट तो है ही। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि ये पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही उठ के खड़ी हुई थी, अब उसको भ्रष्टाचार में ही समेट के उनको उनके टॉप लीडरशिप को अंदर कर दिया गया है, तो इसका पॉलिटिकली आप जो भी वो करें, मतदाता क्या इस पे उनका रुख होता है, ये चुनाव के दिन। अच्छा, हम आपको बता दें अभी भी खबर आई है कि केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी कि अरेस्ट गलत है वो वापस ले लिया है, तो आत्मा प्रकाश जी इसका क्या मतलब है? मुक्ता जी, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी शीशा साफ करता रहा, जब कानून और संविधान की जानकारी नहीं होती है तो कानूनी व्यक्ति को भाजपाई ठहरा दिया जाता है। मैं केवल चार केसेस की बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, वो लंबा
लंबा रिकॉर्ड है कि वो डिफेमेशन भी तमाम इस तरह की माफी मांगते रहे हैं। जब दिल्ली ब्यूरोक्रेसी पर केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला आता है, चंडीगढ़ चुनाव पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला आता है, तब रूल ऑफ लॉ जिंदा हो जाता है, लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। अरे मैं कह रहा हूं, आप इस डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेटिक वैल्यू, रूल ऑफ लॉ पर, जुडिशियल रिव्यू पर भरोसा रखिए और यकीन मानिए, यदि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है, उन्हें फंसाया जा रहा है, तो इट इज नॉट अबाउट इलेक्शन और एनी पॉलिटिकल आउटकम, वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसकी उम्मीद कम है क्योंकि प्रेमा फिसाई जो इनके क्लोज एसोसिएट्स थे वो सालों से जेल में बंद है। मैंने यही बात कही थी सिन्हा तिवारी जी को कि आप ईडी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि दे वर इन जेल बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिक्टिंग। और निश्चित तौर पर हमें इस विषय को न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक डिस्कशन पर छोड़ देना चाहिए। इलेक्शन आते जाते रहेंगे लेकिन देश के जो वैधानिक और संवैधानिक संस्थाने हैं वो अपना काम करती रहेंगी, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्याय करेगा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अरविंद केजरीवाल के साथ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी भी सवाल वही बड़ा खड़ा है कि केजरीवाल नहीं तो कौन, हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। अब देखते हैं आगे, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें और साफ होंगी। तब तक आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।